हेलो एवरीवन वेलकम टू एप्स ट्यूटोरियल्स इस ट्यूटोरियल में हम कुछ स्लाइड्स देखेंगे जिसमें हम एडिटर यूज़ करना डिस्कस करेंगे ऑल दो कई फॉर्म में क्रिएट किया जा सकता है ये एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर जैसे नोट या टेक्स्ट एडिट से भी किया जा सकता है सब लाइम भी एक पावरफुल टेक्स्ट एडिटर है जो डेवलपर्स को लोकल फाइल्स और कोड बेस एडिट करने में हेल्प करता है इसमें कई सारे टूल्स हैं जो डेवलपर्स को हेल्प करते हैं चेंजेस का ट्रैक रखने में हम Sublime टेक्स्ट को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट डब्ल्यू से डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट एटम एक और टेक्स्ट एडिटर है जो इलेक्ट्रॉन डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म के तर्ज पर बिल्ड हुआ है ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल टेक्स्ट एडिटर्स के लिए एज ये बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए एज ए स्टैंड लोन प्रोग्राम भी यूज किया जा सकता है इट्स ऑल्सो इनक्रेडिबली कस्टमाइजेबल थाउजेंड्स ऑफ पैकेजेस के साथ जो पूरी करेंगे आपकी सारी नीड्स थर्ड विजुअल स्टूडियो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आई डी आई है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये डेवलपर्स को हेल्प करता है एप्स डेवलप करने में वेब मोबाइल डेस्कटॉप या क्लाउड के लिए विद दिस टूल हम मैनेज एज वेल एज नेटिव कोड क्रिएट कर सकते हैं हम विंडोज स्टोर माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट के लिए भी एप्स बिल्ड कर सकते हैं वी एस कोड की मदद से नोट पैड प्लस प्लस एक फ्री और ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर है इट्स नॉट ह्यूज फुल फीचर्ड आई डी ई बट ये सिंपल और ईजी टू यूज टेक्स्ट एडिटर है नोट पैड प्लस प्लस भी सा कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और ये विंडोज़ लिनक्स और मैक ओ एस एक्स के लिए भी अवेलेबल है नेक्स्ट एच टी एम एल वैलिडेटर एक प्रोग्राम है जो वेब पेज में एच टी एम एल की वैलिडिटी को चेक करता है इट इज़ अ स्पेशलाइज पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो चेक करता है सिंटेक्स और लेक्सिकल एरर्स को ये इसलिए है क्योंकि एच टी एम एल कंपाइल्ड नहीं है एंड ये एरर्स को जनरली फॉरगिव कर देता है एस टी एम एल हमारे कोड में एरर को चेक करता है ये हर लाइन को पार्स और टोकनाइज करता है टू चेक फॉर ओपन टैग्स मिसिंग या दूसरे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के लिए इफ दीज पैरामीटर्स डू नॉट हैव द राइट वैल्यूज हमारा वेब पेज वैसा नहीं लगेगा जैसा हम चाहते हैं सोशल कोडिंग एक अच्छा तरीका है डेवलपर्स को प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट करने का गिटहब एक सोशल नेटवर्क है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए ये प्रोवाइड करता है एक वेब इंटरफेस गिट का जो कि कोड रिपोजिटरी और टूल्स प्रोवाइड करता है कोलेबोरेशन के लिए लोग यहाँ एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं और एक दूसरे के काम को फीडबैक दे सकते हैं अपडेट्स ले ले सकते हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की और कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ क्या आपको पता है कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं क्या आपको ये टेंशन है कि आपकी वेबसाइट सेम नहीं लगेगी अलग अलग ब्राउजर्स पर कैन आई यूज़ एक एक्सेलेंट टूल है जो आपको प्रोवाइड करता है लेटेस्ट ब्राउज़र सपोर्ट इन्फॉर्मेशन ये साइट एलेक्स देवरिया ने क्रिएट करी है एंड इसे वेब डेवलपमेंट कम्युनिटी मेंटेन करती है डब्ल्यू थ्री स्कूल्स एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है कोडिंग के लिए यह ना सिर्फ ऑफ़र करता है कोर्सेज कोडिंग के बेसिक्स पर बट और एडवांस टॉपिक्स पर भी W3 स्कूल्स करीब 10 साल से एक्जिस्टेंस में हैं और इसको लॉन्च करने का मेन पर्पस लोगों को कोडिंग सिखाने का है इसका नाम इस आइडिया पर डिराइव किया गया कि ये किसी ऐसी वेबसाइट बने जो वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल हो विद द हेल्प ऑफ देयर फ्री एंड पेड कोर्सेज डब्ल्यू थ्री स्कूल्स अलाउ करते हैं लोगों को उनकी खुद की स्पीड में सीखने का भले ही उन्हें स्क्रैच से शुरू करना हो या अपने स्किल्स को पॉलिश करना हो सो दैट्स इट थैंक यू वी होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा क्लिक द क्लिक द सब्सक्राइब बटन टू स्टे अपडेटेड रिसेंट वीडियोज़ थैंक यू